इथाइलिन ऑक्साइड, जबकि अगर हमने वो कह रहा है कि इंट्रावीनस आईवी फ्लूड यूज़ करना है ना, तो हमने क्या करना है, फिल्ट्रेशन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। डिसइंफेक्शन में क्या होता है, सारे ऑर्गेनिज्म यूज़ किए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, लेकिन स्पोर वगैरह जो है ना वो सर्वाइव कर जाते हैं, वो यही बात कर रहा है। उसके अलावा जो है ना वो डैमेजिंग हुई है, अब कहानी पढ़ लेनी है खुद ही। उसके बाद एंटीसेप्टिक की बात कर रहा है कि जो सरफेस ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से जो निकाल दिए जाएँ वो एंटीसेप्टिक कहलाते हैं केमिकल के ज़रिए। ये वाला टेबल आपने थोड़ा सा ना मेमोराइज़ कर लेना अच्छा होगा। हैंड्स की जो होता है ना, प्रायर टू सर्जरी, सर्जरी से पहले हम जो है ना सर्जन हैंड को वॉश करते हैं, तो क्या हम यूज़ करते हैं, क्लोरीहेक्सीडीन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो होता है ना, ये रट्टे लगाने वाली इसके अंदर कोई कंसेप्ट तो है नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर जो साइट प्रायर टू सर्जरी हो गया ना, मतलब जो हमने मरीज़ की जो जगह साफ़ करनी है वो आइडोफोज़ के ज़रिए करनी है, मतलब मरीज़ हाई हाई करते हैं ना, आई आई, तो यहाँ से याद कर लो आइडोफोज़, जबकि हम जो है ना वो सी से मतलब कोई कुछ भी कर लो, ये निमोनिक कुछ बना लेना। विन पैक्चर इम्यूनाइजेशन के लिए 70% एथेनॉल, वही अगर मैंने कहा था सैनी स्किन को जो हम करती हैं 70% एथेनॉल के ज़रिए। प्रायर टू दी कल्चर जो है ना, टिंचर ऑफ आयोडीन हो गया 70% एथेनॉल, आइडोफोज हो गया, क्लोरीहेक्सीडीन, कोई तीनों यूज़ कर लो। क्लीनेस वाउंड जख्म को क्लीन करने के लिए हमने हो गया। बर्न के लिए जो है ना हम सिल्वर सल्फा डाइजीन जो है ना, हम जो जले हुए जख्म है उसके अंदर कुछ और नहीं है, मैंने वरना बहुत बहुत चुभता है ये, ठीक है। हम इसके लिए क्या करेंगे, सिल्वर सल्फा डाइजीन जो है ना हम यूज़ करते हैं। क्लीनिंग ऑफ द वाउंड पील फ्रॉम द पेशेंट विद हेपेट, हाँ, जो अमूमन होता है कि हम ऑपरेट कर रहे होते हैं तो हेपेटाइटिस बी और सी के पेशेंट का खून जो है ना वो उड़ के आ जाता है। अब उसको किस तरह साफ़ करना है, उसको हम हाइपोक्लोराइड मतलब ब्लीच वगैरह मारते हैं। मैंने कहा ना ब्लीच मारनी है हेपेटाइटिस बी सी और एचआईवी वाले लोगों के ऊपर, तो आपने वहीं से याद करना है। स्टीलाइज इंस्ट्रूमेंट के लिए हमने इथाइलिन ऑक्साइड, ये मैंने कहा ना यहाँ पर इथाइलिन ऑक्साइड गैस हम ऊपर हम पढ़ चुके हैं, वो गैस यूज़ करनी है। या ग्लूटरल्डिहाइड जो होता है ना, ये भी एक बताया गया, ये भी याद रह जाए तो बेस्ट है। इसके अलावा क्या है, जो नॉन सेंसिटिव हीट मटेरियल सर्जिकल ग्राउंड और ड्रैप्स वगैरह ऑटोक्लेव मशीन के अंदर डाल दें। इंट्रावीनस के लिए हमने फिल्ट्रेशन करनी थी, ठीक है, एंडोटॉक्सिन रिमूव करने के लिए। उसके बाद जो है ना वो डिसइंफेक्टिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गया। फ्लोर के लिए ऑपरेटिंग जो होता है ना वो हमने के ओ टी रूम के लिए यार मैंने बताया था, या एक्सरे यूज़ कर लो या अल्ट्रावायलेट यूज़ कर लो। कोनियम क्लोराइड जो है ना, लाइसोल जिसको हम कहते हैं, वो कर लो। स्टेथोस्कोप को हमने सिंपल एथानोल मतलब जो स्किन के ऊपर लगाते हैं वही हम स्टेथोस्कोप को भी यूज़ करके ना। इसके अलावा वैक्सीन जो लगाते हैं ना, ठीक है, प्रिजर्वेटिव इन वैक्सीन, वो इसके अंदर क्या होता है, थाइमरसल जो होता है ना वो हम यूज़ करते हैं। बस ये एक टेबल अच्छे से थोड़ा सा याद हो जाए तो बेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ना वो कह रहा है कि रेट ऑफ किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक मिनट जस्ट फोकसिंग इट, रेट ऑफ किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वही फार्मूला आ गया, एन इनवर्सली प्रोपोर्शन टू सी टी, ठीक है। एन इसमें क्या है, नंबर ऑफ सर्वाइवर, इनवर्सली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन, सी से कंसंट्रेशन, टी से मैंने कहा था एजेंट्स जो भी होते हैं ना, एप्ली टाइम, टी से टाइम जो होता है ना वो एप्लीकेशन एजेंट्स का, ठीक है। तो एक मिनट, टाइम ऑफ एप्लीकेटिंग एजेंट का, अब सी टी को कलेक्टिवली मैंने क्या कहा था, डोज, जितनी डोज ज़्यादा होगी उतनी जो है ना वो नंबर ऑफ सर्वाइवर कम होंगे, वही है। सर्वाइवर जो होता है ना वो इजीली मेजर्ड बाय कॉलोनी फॉर्मेशन हो गया, डेथ इज़ डिफाइंड एज इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस हो गया, और ये कुछ भी नहीं है, कहानी लिखी हुई है हमें बस। केमिकल एजेंट में क्या कह रहे थे, वो फिनोल कोफिशेंट बता रहा है, ठीक है, मैंने वो बताया ताकत हम जो उसकी मालूम करते हैं ना, कोई नज़र आ रहा था ये अभी तक, ये वाला, सॉरी फॉर दैट, मुझे देखा ही नहीं कैमरे में, ओके ये तो समझ आ गई ना, सी टी इनवर्सी प्रोपोर्शन टू ये वाला। उसके बाद वो कह रहा है कि फिनोल कोफिशेंट के अंदर उसकी ताकत मैंने कहा था जितनी, वो रेट ऑफ कंसंट्रेशन फिनोल टू कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू काज द सेम अमाउंट ऑफ किलिंग अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर हम उसकी जो क्वांटिटेटिव मेजर करती है ना उसको हम कहते हैं ये फिनोल कोफिशेंट। अब इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरली थ्री मैकेनिज्म होते हैं, डिसरप्शन ऑफ द लिपिड, किस तरह ये काम करता है, एक तो लिपिड कंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करते थे, मॉडिफिकेशन प्रोटीन की मॉडिफिकेशन करता है, इसके अलावा डीएनए की मॉडिफिकेशन करता है, ठीक है। ये तीन कैटेगरीज में आपने इसको लिया ना। अब देखो डिसरप्शन सेल मेम्ब्रेन कैसे होगी, अल्कोहल के जरिए होगी, डिटर्जेंट के जरिए होगी, फिनोल के जरिए होगी, ओके हो गया। मतलब हमने अगर आपके आ जाए डिस्ट्रप्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन तो आपने तीन चीज़ें लिख देनी है, एक आपने लिखनी है शराब अल्कोहल, ठीक है, दूसरे नंबर पे आपने लिखना है डिटर्जेंट मतलब कोई भी सर्फ शर्फ डाल देनी है, ठीक है, और इसके अलावा जो है ना वो फिनोल जो कहते हैं ना, वो अमूमन आप अगर गाँव में जाए ना तो वह कहते हैं फरनेल की गोलियाँ डाली हुई, वो फिनोल वो होता है। अल्कोहल में क्या होता है, एथेनॉल जो होता है ना वो मैंने कहा था स्किन के ऊपर यूज़ करते हैं, अपनी स्किन के ऊपर शराब डाल लो बस,
तो इम्यूनाइजेशन के लिए और मैनी पंक्चर्स के लिए, मतलब अगर हमने कोई पंचर लगाना है, पंचर कह रहा हूँ, कोई इंजेक्शन लगाना है, ठीक है, तो वो। इसके अलावा डिसऑर्गेनाइजिंग लिपिड स्ट्रक्चर, ये लिपिड स्ट्रक्चर को डिसऑर्गेनाइज डीनेचर कर देगा प्रोटीन को। और 70% देन 100%, हम कहते हैं 70% अल्कोहल यूज़ करनी है, एथानॉल। क्यों? वही कह रहा है कि इसकी जो है ना वो एंटीसेप्टिक एबिलिटी जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है, बिकॉज हैज़ नो इफेक्टिव आयोडीन हो गया, वही कंपाउंड कर रहा है कल्चर। बस यही बात है, इसमें कही है और कुछ भी नहीं कही हुआ। और 70% एथेनॉल यूज एज एन एंटीसेप्टिक टू क्लीन द स्किन प्रायर टू वेनी, वही बात है यार। डिटर्जेंट में क्या कह रहा है कि सरफेस एक्टिव डिटर्जेंट होता है लॉन्ग चेन जो है ना, लिपिड सोल्यूबल हाइड्रोफिबिक पोर्शन एंड पोलर हाइड्रोफिलिक, मतलब वो अपने हाइड्रोफिबिक फोबिक और फिलिक चीज़ों के अंदर अब इसके अंदर आ जाते हैं। क्या कह रहा है? कॉन्ट्रनी अमोनियम जो होता है ना डिटर्जेंट के अंदर होता है कंपाउंड, वो क्या करता है, बेंजो बेंजलकोनियम क्लोराइड कैटोनिक नेचर, मतलब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर होता है। तो यूज स्किन के एंटीसेप्टिक के ऊपर बेंजन क्लोरिन क्लोराइड इज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ लाइसोल कॉमनली यूज डिस इन्फेक्टेंट ऑफ द फ्लोर एंड अदर एरिया। पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, जो भी वहाँ पे होगा नेगेटिवली चार्ज उनको अपने अट्रैक्ट करके मार मुड़ देगा, जो यही काम है आपका, हम यहाँ केमिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे। फिनोल के अंदर क्या है कि ऑपरेटिंग रूम ओटी ड्रेस रूम के अंदर हमने कहा था, ठीक है, अब इसके अंदर क्या करता है, यूज एंड डिस इन्फेक्टेंट ऑफ टू डे बिकॉज टू पॉजिटिव हो गया। अब क्लोरिन क्लोरहेक्सिडीन इज ए क्लोरिनेटेड फिनोल यूज एज ए हैंड, हाथों को साफ करने के लिए, मैंने यहाँ बताया ना ये वाला टेबल याद कर लो यार, ठीक है, तो आपको ये ऑलमोस्ट ये सारे का सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिसिटी बट कंसर्न ओवर द पॉसिबल, अब न्यूरोटॉक्सिसिटी का एक होता है इसके अंदर, ठीक है, वो आपने देख लेना जर्मिसिडल सोप वगैरह के अंदर। हेक्सा क्लोरोफीन जो होता है ना, इसका वो कह रहा है कि ये न्यूरोटॉक्सिसिटी कर सकता है, बायोफिनोल विद 6 क्लोरीन एटम होते हैं, ठीक है, तो इसका वो कह रहा है न्यूरोटॉक्सिस के लिए ज़रा ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट हम अगर मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन आ जाए तो आपने क्या करना है, क्लोरीन आयोडीन हैवी मेटल हाइड्रोजन परऑक्साइड फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लूटरल्डिहाइड इथाइलीन ऑक्साइड और एसिड अल्कलाई, ये सारे के सारे क्या रहेंगी प्रोटीन की मॉडिफिकेशन, ठीक है। अब प्रोटीन की मॉडिफिकेशन के अंदर अगर हम क्लोरीन की बात कर लेना, तो क्लोरीन हम क्यों यूज़ करते हैं, देखो प्योरीफाई करना है वाटर से, अगर आप स्विमिंग पूल में जाएं तो वो क्लोरीन डालते हैं स्विमिंग पूल के अंदर, वो क्यों करते हैं कि वो स्विमिंग पूल को ट्रीटमेंट वहाँ पे एंटीसेप्टिक करने के लिए, वो हाइपोक्लोराइड या ब्लीच जिसे हम कहते हैं ना, डिसइनफेक्ट एन दी होम, आपने ये सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री FSC के अंदर भी पढ़ा होगा। कील करते हैं, क्रॉस लिंकिंग हो गया, वो उसके वो है ना सल्फाइड हाइड्रल ग्रुप जो होते हैं ना उसकी एंजाइम की, वो उसको किल कर देते हैं, ठीक है, क्रॉस लिंकिंग को तोड़ देते हैं, तो फिर क्या हो जाए, वो इनएक्टिव डाइसल्फाइड बन, सो सिंपल। नेक्स्ट आयोडीन है, आयोडीन वाला नमक, ये इतना ऑक्सीडेशन करवा देता है, ये स्किन के ऊपर हमने नमक लगाना है, ठीक है, एंटीसेप्टिक हो गया। तो क्या करना है, ब्लड कल्चर्स के जो प्रायर टू ऑब्टेनिंग ब्लड कल्चर, उस वक्त हमने यूज़ करना है ब्लड कल्चर लेने से पहले। इसके अलावा इंस्टॉलिंग इंट्रावेनस कैथीटर, मतलब कोई भी कैथीटर बॉडी बॉडी के अंदर डालने से पहले उसको आयोडीन, जिस तरह ये स्टेफलोकोकस एपिडर्म डर्मस जो होता है ना, ये स्किन की प्रॉब्लम के लिए हमने आयोडीन वाला नमक आपने स्किन के ऊपर लगा देना है, बस ये जरूर याद करने के लिए। इसके अंदर होता है क्या, इनएक्टिवेट करता है सल्फाइड्रल इंजाइम जो होता है ना कंटेनिंग के अंदर, उन सब को ये जिनके अंदर सल्फाइड्रल ग्रुप होता है इंजाइम का, वो इनएक्टिव हो जाते हैं। जिसमें क्या होता है, इट आल्सो बाइंड विद ऐसी प्रोटीन जिनके पास टायरोसिन होता है ना, टायर वाली प्रोटीन, याद करने के लिए निमोनिक बता रहा हूँ, तो उनके साथ ये आयोडीन लग देता है। नेक्स्ट टिंचर ऑफ आयोडीन, वो क्या करते हैं, 2% सोल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड पोटाशियम आयोडीन एंड एथेनॉल हो गया, वो कह रहे प्रिपेयर प्रायर टू द स्किन हो गया, अच्छा, उसके इरिटेटिंग द स्किन हो गया, वही है ये टिंचर ऑफ आयोडीन जो है ना वो स्किन के ऊपर हमने यूज़ करना है। भाई हाइड्रोफोर जो थे ना, मैंने बताया था हाथों के ऊपर सर्जरी से पहले जो है ना वो हम यूज़ करते हैं, वही टेबल वाली बात बता रहा है। इसके अंदर हैवी मेटल के अंदर क्या कर रहा है, मर्करी हो गया और सिल्वर जो होता है ना, ये क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी, ये MCQs आपको आना चाहिए। मर्करी MS धुनी जो है ना, ठीक है, वो उसकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी ज़्यादा है। इसके अंदर क्या कहते हैं, एक्ट करते हैं बाइंडिंग टू द सल्फ्राइड्रल ग्रुपों के साथ हो गया, और इसके बाद है मेरबोनियम हो गया, और सिल्वर नाइट्रेट ड्रॉप्स जो होते हैं ना वो कहते हैं यूजफुल होते हैं प्रिवेंटिंग गोनोकोलॉजिकल ऑप्थल्मिया न्यू नेट्रम। एक मिनट मैं दिखाता जस्ट अ मिनट। ये अमूमन ना ये बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनकी आंखों के गिज जो है ना वो ये होता है गोनोकोकल ऑप्थल्मिया न्यू नेट्रम। न्यू नेट्रम से याद करें, न्यू बॉर्न बेबीज़ के बाद जो आंखों के गिज ये अजीब सी गंदी सी ये बन जाती है। तो हम ड्रॉप्स खास किस्म के होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट ड्रॉप, ठीक है, तो हमने सिल्वर उसकी आंखों के ऊपर डालना, यूँ याद कर लो, तो क्या होगा, ये उसको किल कर देगा, सिल्वर सल
फ्रेंडाइजीज यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑफ द बर्न और वाउंड हो गया। वही सिल्वर जो है ना वो एंटीसेप्टिक है, और इसके अलावा मरकरी जो है ना वो भी एंटीसेप्टिक है। ये दो चीज़ें याद करने। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या करेगा, क्लीन करने के लिए वाउंड को, H2O2 ये इसने क्या करना है, ये अब कैटालेज एंजाइम होता है ठीक है, दैट डिग्रेड करता है H2O2 ठीक है। इट इज़ इफेक्टिवली वो कह रहा है कि अगर कैटालेज एंजाइम होगा ना तो वो H2O2 की जिस तरह हमने पढ़ा था ना कि इसके अंदर वो ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम और पर ऑक्सीसोम ठीक है उनके पास होता है हाइड्रोजन पर ऑक्सीडेज ठीक है, उसके अंदर कैटालेज एंजाइम होता है वो H2O2 की डिस इन्फेक्शन करता है। यही वहाँ पे कहा था कि ये H2O2 एक ख़तरनाक चीज़ है, तो वही कह रहा है कि ये बबल प्रोड्यूस करता है व्हेन पर ऑक्साइड इज़ यूज टू वाउंड, ये वाउंड के ऊपर हम लगाते हैं तो H2O2 जो है ना वो टिश्यू को जितने भी हैं ना वो एंटी बैक्टीरियल अटैक करते हैं सल्फाइडल ग्रुप के ऊपर, देयर फॉर इनहेबिटिंग द एंजाइम एक्टिविटी। सो सिंपल, एंजाइम को इसने रोकना है बस। फॉर्मेल्डिहाइड और ग्लूटराल्डिहाइड में क्या करता है कि ये 37% सोल्यूशन इन वाटर के अंदर डीनेचर करता है प्रोटीन को, न्यूक्लिक एसिड को करता है, और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड कंटेन एसेंशियल NH2 और वो ही यार फॉर्मेल्डिहाइड हम क्या यूज़ करते हैं 37% सोल्यूशन वाटर के अंदर डीनेचर करता है प्रोटीन को न्यूक्लिक एसिड को, क्योंकि कैसे NH2 ग्रुप और OH2 ग्रुप जो है ना जो एसेंशियल ग्रुप है उसकी जो है ना वो क्या करेगा अल्काइलेशन करवा देगा बाय दी हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप होगा। ग्लूटराल्डिहाइड जो है ना विच हैज़ टू रिएक्टिव एल्डिहाइड 10 times मोर इफेक्टिव है ग्लूटराल्डिहाइड, ग्लू साहब जो है ना वो ज़्यादा एक्टिव हैं ठीक है एंड देन फॉर्मेल्डिहाइड ओके। और हॉस्पिटल में वो कह रहा है स्टीलाइज रिस्पायरेटरी थेरापी इक्विपमेंट, मतलब जिस तरह हम सांस के कोई भी करते हैं ना इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं या फिर मास्क जो होता है जिससे वो ऑक्सीजन मास्क होता है ना ठीक है, उनको वो सारे के सारे स्टीलाइज या हीमोडायलिसिस इक्विपमेंट जो होते हैं उनको स्टीलाइजेशन के लिए। अच्छा इथाइलिन ऑक्साइड क्या होता है, ये गैस जिस तरह मैंने पहले बताया था वो किसके लिए यूज़ कर रहे थे शुरू शुरू में हमने ये इसके लिए की थी ना सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए ठीक है, तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए जो है ना वो हम ये यूज़ करें अभी अजान और ये अजान के बाद फिर बाकी ओके जी। तो यही हम बात कर रहे थे ठीक है इथाइलिन ऑक्साइड की, तो वो हमने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ करना, बाकी कहानी आपने पढ़ लेनी है। न्यूक्लिक एसिड और वो कह रहा है किल कर देता है अल्काइलेटिंग करके एसिड और अल्कली में डी नेचरिंग प्रोटीन होती है ठीक है, इसके बाद 2% NaO हुआ जो है रेजिस्टेंस हो जाता है इसके खिलाफ। अच्छा और वीक एसिड सच बेंजोइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड सिट्रिक एसिड आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेंट बिकॉज दे आर बैक्टेरियो स्टैटिक। ये जो वीक एसिड है अक्सर आपने फूड प्रिजर्वेटिव देखे हैं ना उसके ऊपर लिखा होता है बेंजोइक एसिड प्रोपेनोइक एसिड सिट्रिक एसिड, क्यों, क्योंकि ये बैक्टेरियो स्टैटिक है, बैक्टेरिया की ग्रोथ रोक देते हैं ये, और लो पीएच के ऊपर यही बात। मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड में क्या कहता है कि पहले हमने क्या किया है सेल मेम्ब्रेन की डिसरप्शन की है, दूसरे नंबर पे मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन उसके लिए अलग कंपोनेंट है, तीसरे नंबर पे हमने क्या किया मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड की मॉडिफिकेशन जो है ना वो जेंटियन जो है ना वायलेट ठीक है क्रिस्टल वायलेट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये स्किन एंटीसेप्टिक है, ये क्या करती है न्यूक्लिक एसिड के अंदर चेंजेस लाती है पॉजिटिवली चार्ज डाई मॉलिक्यूल टू द नेगेटिवली चार्ज के साथ बाइंड करवा के ना, तो ये उनका लड़ाई झगड़ा यूं करवा दें। मेलचाइट ग्रीन जो होता है ना ये ट्राई फिनाइलिन डाई लाइक क्रिस्टल जो होता है ना LM से याद कर लो ना, तो ये क्या करता है लोअर स्टेटिन जेंसन मीडियम LM लोवेंस्टन जेंसन मीडियम जो होता है ना विच इज़ यूज टू ग्रो माइकोबैक्टीरियम, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। दे डाई इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ दी, मतलब हम क्रिस्टल वायलेट इस डाइज के ऊपर यूज़ करेंगे LM डाई जो होता है ना LGM डाई लोवेंस्टन जेंसन मीडियम इसके लिए है जो ट्यूबरकुलोसिस की ग्रोथ के लिए अच्छा है, तो इसके ऊपर हम क्या यूज़ करेंगे क्रिस्टल वायलेट या जेंटर वायलेट, तो ये 6 weeks इंक्यूबेशन पीरियड से पहले हम यूज़ करते हैं एडवांटेज बैक्टीरिया को। नेक्स्ट फिजिकल एजेंट हीट वही है ड्राई हीट ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, मॉइस्ट हीट बता दिया, पास्चराइजेशन बता दिया। ड्राई हीट में वो क्या कह रहा था इन जनरल जो है ना हीट हमसे क्या करते हैं डी नेचर करती हैं, मेम्ब्रेन डैमेज करती हैं, एंजाइमेटिक लीवेज ऑफ DNA करवा देती हैं ठीक है, उसके अलावा स्टीलाइज करते हैं लो टेम्परेचर के ऊपर ड्राई हीट के ऊपर बिकॉज वाटर एड द डिस्ट्रप्शन ऑफ द नॉन कोवलेंट बॉन्ड। कह रहे हैं हम ड्राई हीट इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि अगर मॉइस्ट हीट यूज़ करें ना तो वाटर क्या करता है वो कोवलेंट बॉन्डिंग जो है ना उसकी डिस्ट्रप्शन करवा देगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा विच होल्ड द प्रोटीन चेन टुगेदर विद सेकेंडरी, उसकी वजह से हमारे पास फिर प्रोटीन तो टूटेगी नहीं उसकी, तो फिर हम इसकी वजह
मॉइस्ट हीट जो होते हैं ना, वो क्या कह रहे हैं, हम ऑटोक्लेविंग के अंदर यूज़ करते हैं। फ्रीक्वेंटली यूज मेथड ऑफ स्टीलाइजेशन है। बैक्टीरियल स्पोर रेजिस्टेंस 100 डिग्री एट सी लेवल, इसलिए हम क्या करते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड 15 LB पर इंचज के हिसाब से जो है ना वो टेम्परेचर देते हैं 15 से 20 मिनट के अंदर। इसके अंदर क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म जो होता है ना वो, और इसके अलावा हीट रेजिस्टेंस स्पोर जो होते हैं उनको वो किल कर देता है, ठीक है। इसके अलावा वो कह रहा है कि टेस्ट इफेक्टिवनेस होगा जी ऑटोक्लेविंग हो, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म होगी। ड्राई हीट में वो कह रहा है कि 180 डिग्री पर 2 घंटे के लिए, 160 से 180 मैंने बताया था ना, ओवन की तरह जो होता है ना वो हम देते हैं हीट का सिंपल प्रेशर उसके अंदर। फिर कह रहे हैं पास्चराइजेशन के क्या करें, 62 डिग्री 30 मिनट या 72 फॉर 15 सेकेंड, ऑलरेडी बता चुका हूँ नोट्स के अंदर, फ्लैश पास्चराइजेशन भी इसे हम कहते हैं ना, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम बॉयस सेल्मोनिला स्ट्रेप्टोकोकस लिस्टेरिया और पेनिसिलिन सबको जो है ना वो मिल के अंदर अमूमन होते हैं, ये इनको किल करने के लिए करता है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि रेडिएशन अल्ट्रावायलेट और एक्सरे बताइए, ठीक है, 250 से 260 नैनोमीटर बताइए। मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन वो कह रहा है प्यूरिन और पैरामिडीन के DNA बेसिस के साथ होती है, सिग्निफिकेंट होती है बिकॉज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है ना वो थाइमिन डाइमर बना देती है, मतलब कि जो प्यूरिन और पायरामिडीन है ना उनके वो थाइमिन डाइमर्स बन जाते हैं। कैसे, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप टू द बेसिक आल्सो, मतलब आपने ये बायोकेम सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ा ही होगा ना, तो वही बात वो कह रहा है कि उसकी अगर वो हाइड्रोक्सीलेशन हो जाए तो वो भी डाइमर बन जाते हैं, वो फिर इनहेबिट कर देते हैं DNA की रेप्लीकेशन को, DNA रिपेयरमेंट को, तो इस वजह से वो क्लीवेज होता है जिसे हम फोटो रीएक्टिवेशन कहते हैं, ठीक है, डार्क रिपेयर हो जाता है। इसके अंदर फिर बाकी किल करता है एयरबोन ऑर्गेनिज्म को ऑपरेटिंग रूम के अंदर। वो होता है एक्सरे जो होता है ना वो हाई एनर्जी एंड पेनिट्रेटिंग पावर होती है, अल्ट्रावायलेट से भी ज़्यादा पावर एक्सरे की होती है। हाईली रिएक्टिव रेडिकल कैन ब्रेक कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, देयर बाय किलिंग द ऑर्गेनिज्म हो गया। सल्फाइड्रल कंटेनिंग कंपाउंड जो होता है ना वो क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड सिस्टीन कैन प्रोटेक्ट DNA फ्राम फ्री रेडिकल अटैक, ओके ओके। उसके बंद वो कहते हैं एक्सरे किल करता है वेजिटेटिव सेल को रेडियल स्पोर और मार्कली एबल टू रिच, वो जैसे ग्लव्स वगैरह को, प्लास्टिक बच्चों वाली बात है। फिल्ट्रेशन के अंदर वो मैंने बताया एंडोटॉक्सिन हम यूज़ करते हैं इंट्रावीनस जब लगाना होता है ना, तो पहले पायरोजिन फ्री उसे कर लेते हैं, ठीक है, और नाइट्रोसेलुलोज का बना होता है 0.22 माइक्रोमीटर, ये मैंने नोट्स में बता दिया, कुछ भी बताने के लिए नहीं। पैरल्स आप पढ़ लेंगे, किलिंग ऑफ स्पोर रेजिस्टेंट बॉइलिंग हो गया, डिसइंफेक्शन की तरीके रिड्यूसिंग जी बैक्टीरिया होगा, एंटीसेप्टिक पढ़ लिया, डोज हमने CT से वो कर लिया था, ठीक है, N-inversely proportion to 1/CT, तो 1/CT। इसके अलावा जो पास्चराइजेशन कर लिया, अल्ट्रावायलेट कर लिया, किलिंग ओके हो गया। MCQs देख लो, वो कह रहा है रिगार्डिंग स्टीलाइजेशन हो गया, बीच वन दी फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेट, तो इसके अंदर वो कह रहा है सी वाला कैसे ठीक है, ज़्यादा एक्यूरेट, बाकी भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट कह रहा है स्टीलाइजेशन बाई ऑटोक्लेविंग टेम्परेचर मस्ट बी रेज बॉइलिंग वाटर। हाँ, ऑटोक्लेविंग में 121 डिग्री सेंटीग्रेड बताया ना मैंने, तो उसी की बात कर रहा है, तो बॉइलिंग वाटर 100 होता है पानी का। तो बीच वन दी फॉलोइंग हीट सेंसिटिव मटीरियल हो गया, इथाइलिन ऑक्साइड, मतलब ये जो EO गैस हमने यूज़ की थी वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए हॉस्पिटल के अंदर, ये टेबल आपको अगर आता होगा ना ये वाला, तो आपके MCQs हल हो जाएंगे। तो गाइस वीडियो को लंबी मान गया, मेरा हरगिज़ मकसद नहीं था, लंबा अपनी तरफ से कोशिश की, इंपॉर्टेंट चैप्टर था, इस वजह से मैंने कहा चलो डिस्कस कर दूँ। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हो तो कमेंट सेक्शन ओपन आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, बाकी एक दफ़ा खुद रीड दीजिएगा, इंशाल्लाह वो सारे का सारा आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद करें। वीडियो तो चल रही है।